पहले सबको शुभकामनाएं आगे जो दोगे, और एक बहुत अच्छा आप लोग के लिए घोषणा भी हुआ है, पता है कि नहीं? बजट पढ़े हो ना, आज का आएगा, तुम ही लोग के लिए काम का चीज है वो, है ना? तो एक बहुत अच्छा चीज तुम लोग के लिए हुआ है ना, तो उसके लिए भी सबको बधाई। ठीक है, बताओ, आधे लोगों को पता भी नहीं है, पता है ना? अब सिर्फ फॉर्म भरो और एग्जाम दो, है ना? पेमेंट का झंझट खत्म। ठीक है, चलो, किसी को पूछना है कुछ? मेंस का बेस है ना ये, तो मेंस में तो पूछने के लिए बहुत सारा रहता है ना? जो पूछना है पूछो। सर बोले अपने तरफ से ठीक है, ठीक है, मेरे से जो सवाल करना चाहते हो कर सकते हो, कि सर पेन कौन सा लेके जाएं, काट छाट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, सर दो पेन से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पेंसिल से लिखना, जो मन में आ रहा है पूछ सकते हो मेरे से। सर हाँ, आपका मेंस में कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ था? कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ था? 1400 नंबर का मेंस होता है। हाँ, उसमें आपका कितना? मेरा उस समय 2015 में 758 नंबर आया था, और प्लस मेंस 86 नंबर। इंटरव्यू में आपका कितना? 86। हाँ, इंटरव्यू में 86। थैंक यू सर। हाँ, बाकी ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, मतलब ये मेंस में ना तुमको पूछा जाएगा, ठीक है, और ना मैं 758 की हूँ, तो तुम 758 स्कोर करोगे तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि हर साल जो है स्कोरिंग जो रहता है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अपनी काम की चीजों, मतलब पूछने का मतलब अपने काम की चीजों को पूछो, बताने के लिए बहुत सारा है। नहीं, जिस फॉर्म में पूछोगे मैं उस फॉर्म में बताऊंगा, जो बोला वही बता दो, तो वो मेरा। हाँ, अब इसका आंसर तुम खुद दोगे। मैं तुमको यदि, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तुमको यदि क्वेश्चन अपना लिख, मतलब क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के तुमको दूं, तो तुम कैसा पसंद करोगे? बुलेट पॉइंट में, ठीक है, किसी को पैरा में पसंद रहता है, ठीक है, तो जैसा अपने खुद को पसंद है ना, हमको आंसर वैसे ही लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बता रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें पॉइंट्स में ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करते हैं कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो इसको किस फॉर्म में लिखें। ठीक है, और कई बार सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमको घुमा के लिखना पड़ता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमको आता ही नहीं है, अब उसमें आप बुलेट पॉइंट में बता रहे हो कि मेरे को ये नहीं आता। ठीक है, मतलब वहां पे आपको थोड़ा सा चालाकी दिखाना है, नहीं आता तो उसको ऐसा लिखो कि पढ़ने वाले को भी थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है, क्या पता उसका मूड ठीक ना हो और भरा हुआ देख के दे दे, लेकिन पॉइंट बुलेट पॉइंट गए तुरंत क्लिक करता है, ये है, तो उसमें सामने वाला का भी समय बचता है और वो चीजों को देख लेता है कि आप कितना गहराई से इन चीजों को जानते हो। ठीक है, तो जानते हो अच्छा, तो कोशिश करो कि बुलेट पॉइंट्स में यदि लिखते बने तो लिख सकते हो। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि इसको पैरा में भी मैं उतने अच्छा से लिख सकती हूं, तो आप पैरा में भी लिखो, क्योंकि मैं 2014 में भी दिया था तो मैं पूरा पैरा में लिखा था। ठीक है, और 2015 में दिया तो बुलेट पॉइंट में लिखा था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 2015 में सिलेक्शन हो गया तो मेरे को नंबर, मेरा दोनों में बराबर आया था मेंस का। जिस अब बुलेट्स में किसको लिखोगे आप, पेपर 3 है, पेपर 5 है, पेपर 6, पेपर 7, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। अब मैथ्स को थोड़ी लिखोगे बुलेट पॉइंट में, लैंग्वेज को थोड़ी लिखोगे। ठीक है, तो बाकी जो रेस है, मैं पैरा में भी लिख के देख लिया और मैं बुलेट्स में भी लिख के देख लिया। ठीक है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा, किसी सब्जेक्ट में मेरा पैरा में लिखा तो ज्यादा अच्छा नंबर आया, किसी में बुलेट्स में लिखा तो ज्यादा अच्छा नंबर आया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या डाल रहे हो आंसर में। ठीक है, पढ़ने वाला तो पढ़ ही लेगा, क्योंकि अब वो कॉलेज वाला आंसर राइटिंग नहीं है ना, कि क्वेश्चन है और दे दिए, सप्लीमेंट्री भरो, जितना भरो भर सको। यहां तो क्वेश्चन ऊपर रहेगा, 4 लाइन बीच में रहेगा, तो 4 लाइन पढ़ने में उसको कहां दिक्कत होना है? तो आप पैरा में लिखोगे तो भी वो पूरा पढ़ेगा, और पॉइंट्स में लिखोगे तो भी वो पूरा पढ़ेगा। ठीक है, बस वो यही चीज चेक करेगा कि आपने कितना क्वेश्चन को सही तरीके से समझ कर लिखा है, कितने क्वेश्चन के करीब हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लाइन में कितनी चीजों को आप बता पाएंगे,
बताने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, और वो फिर उसमें नंबर भी डिफर करेगा कि कोई नया पॉइंट लिख दे। मान लो किसी ने चेक किया और 10 लोग एक ही टाइप के आंसर लिख रहे हैं, अब 11वां कोई आंसर सेट वो पकड़ा जिसमें कोई नया पॉइंट आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसको ज्यादा नंबर देगा ही। सबसे पहले पुराने 2012 से अभी तक का घर जाके जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट का 2012 से लेके अभी तक का मेंस का क्वेश्चंस देखना, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक को उठाना जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तुमको पता ही नहीं कि इस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पढ़े जा रहे हो। जब तुमको पता चल जाएगा कि इस टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तुम जब पढ़ोगे टॉपिक तो अपने दिमाग को उस दिशा में दौड़ा पाओगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाले टॉपिक को मेरे को इस डायरेक्शन में या ऐसे पढ़ना है या इस डिप में लिखना है, इस लेवल तक मेरे को जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गलती तो यहीं पे कर रहे थे। केवल मेंस की नहीं बात नहीं कर रहा हूं, आप जब प्री की भी तैयारी कर रहे हो ना, प्री के क्वेश्चंस भी देखिए पुराने 2012 से अभी तक का। क्वेश्चन पेपर बहुत सारी चीजों को समझा देता है, ठीक है। पूछने का तरीका, पूछने की गहराई, उसकी प्रकृति, ठीक है। आप क्वेश्चंस को समझ गए पिछले 10 साल के पेपर को, 9 साल 10 साल के पेपर को, तो आप पीएससी को समझ जाएंगे। हम लोगों का जब तैयारी करते थे तो सबसे पहले तैयारी करते थे, हम लोग का अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन पेपर देखने का, देख लेते हैं काट क्वेश्चन फंस जाए तो, इसी नजरिए से हम देखते हैं। आज भी जब देखने के लिए बोला हूं तो आप सोचे होंगे हाँ देख लेते हैं, ऐसा नहीं देखना है। हमको उस क्वेश्चन को देख के समझना है कि एक्चुअल में पीएससी हमसे क्या चाहता है उस सब्जेक्ट के बारे में, और ये एक साल के क्वेश्चन पेपर से नहीं समझ में आएगा। जब 8 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे और क्रम से देखोगे तो समझ में आता है कि इस टॉपिक से कैसे पूछा जा रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितनी बार पूछ रहा है, तो इससे फिर वो प्रायोरिटी भी सेट हो जाता है, खास करके प्री के लिए, कि हमको किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो सागर है कि नहीं, पढ़ते रहो 10 साल भी पढ़ोगे तो भी नहीं बोल पाओगे कि मेरा पीएससी पूरा कंप्लीट हो गया, पूछ लो कहां से पूछना है। मैं एक ही सब्जेक्ट को 1 साल पढ़ने के लिए दूंगा तो भी आप नहीं बोल पाओगे पूछ लो कहां से पूछना है, ये नहीं आएगा कॉन्फिडेंस कभी, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, इस लेवल में पूछा जाता है और इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं बना लूंगा या बना लूंगी, ये कॉन्फिडेंस देगा आपको, नहीं तो पढ़ते रहो कभी नहीं आएगा आपको कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले जाके क्वेश्चन पेपर देखना, जो पढ़ो छोड़ देना, क्वेश्चन पेपर पहले, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जाम में पेपर बिगड़ा और उसके बाद आके देखते हैं अच्छा यहां से पूछा था तो पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, अच्छा ये वाला टॉपिक पूछा था, ये सिलेबस में भी था, अभी तो सिलेबस भी नहीं पता होगा बहुत लोग को, नहीं पता है ना, हाँ नहीं पता होगा, मैं जान रहा हूं बोल नहीं पा रहे हो, जिनको पता है अच्छी बात है, ठीक है। जो पता है वो आगे, जिसको पता है वो आगे हैं, आप ही लोगों से, और वही सिलेक्शन देते हैं ना, ठीक है। सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, ये देखना है पहले, ये आपको एग्जाम को समझाएगा कि किस चीज की तैयारी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपको बुक सिलेक्शन करना है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें आपके दिमाग में रहेगी तो ही आप बुक सेलेक्ट कर पाओगे कि भाई जो सिलेबस में है वो आप जो बुक सेलेक्ट कर रहे हो उसमें दिया है कि नहीं दिया है, दिया है अच्छी बात, फिर जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग दिया है कि नहीं दिया है, दिया है और अच्छी बात। तीसरी बात, बुक में सिलेक्शन में हमको ये देखना होता है कि किसी ने बता तो दिया स्टैंडर्ड बुक है ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक सामने वाले के लिए वही आपके लिए है क्या, ये कैसे पता चलेगा। जब आप बुक पढ़ के देखोगे, ठीक है, और समझोगे कि उसकी भाषा शैली आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उस बुक का 4 लाइन पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको पढ़ के मैं लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, ठीक है, तब वो बुक आपके लिए स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है। उठा लिए रेम लक्ष्मीकांत, पता चला साल भर पढ़ ही रहे हैं, पकड़े हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा बुक देखिए, स्टैंडर्ड बुक के चक्कर में उसको पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। और बुक सिलेक्शन के लिए मैं पहले 2 चीज बता चुका हूं कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, ये दिमाग में होना चाहिए।
तब आप बुक को जज कर पाएंगे कि वो आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। और बुक ज्यादा चेंज मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी करता था, ठीक है। तो आप लोग तो करते ही होंगे, मैं भी तो वही सूट के आया हूं ना, ठीक है। बुक बार बार चेंज नहीं करना, एक बार एक बुक उठा लिए तो उठा लिए, कोई भी आके कब बोले कि इसको चेंज कर दे तो मत ही करना, बता रहा हूं। मेरा सिद्धांत था चार अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को मैं चार बार पढ़ूंगा, जरूरत पड़े तो 40 बार पढ़ूंगा, लेकिन बुक चेंज नहीं करूंगा। हाँ, कुछ नया मिलेगा तो मैं अपने बुक में ऐड कर लूंगा, ठीक है, लेकिन वो बुक चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि हमारा आदत रहता है हम कभी किसी बुक को कंप्लीट नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना, अभी तक नहीं पढ़े होगे आप लोग KG 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, ठीक है। मैं खुद नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ PSC में पढ़ा मैं, कुछ कुछ बुक है जिसको मैं बहुत बार रिविजन किया, तब समझ में आया कि जो मेरे को नहीं मिलता था पहले बार में पढ़ने से वो दूसरी बार में मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में मिला, तीसरी बार में नहीं मिला, चौथी बार में मिला, वो उसी बुक में सारी चीजें थी, लेकिन मेरे नजर से वो मिस हो जा रहा था, ठीक है। जब बार बार पढ़ा था समझ में आया कि सभी बुक अच्छी होती है, किसी बुक हर बुक अपने आप में कंप्लीट होता है, हर टीचर अपने आप में कंप्लीट होता है, हर कोचिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। आप क्या लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हो, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, और जिस चीज पे आप, जिस बुक को आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कोचिंग में कर रहे हैं और जिस टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं उस पे भरोसा रखना सीखिए, ठीक है। ज्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करिएगा, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन, सबको डाउट रहता है कि प्रीमियम को बैलेंस कैसे करें, है ना। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा ना, पहला पेपर कंप्लीट, जैसा प्री है वैसी मेंस है, ठीक। मेंस में एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो है लेटर राइटिंग, आवेदन पत्र, या कुछ छत्तीसगढ़ी में पूछा जाता है क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप पढ़ते जाएंगे प्री के ही चीजों को पढ़ेंगे तो भी वो कवर हो जाता है, ठीक है। पहले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्री मेंस दोनों सेम है, ठीक। दूसरा पेपर हुआ एसे का, एसे में प्री जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक। और एसे को एक साथ पढ़ने के बजाय आज से और अभी से, ठीक है, आधा घंटे का समय दे दीजिए आप, ठीक, आधे घंटे दीजिए आप, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मेंस के लिए एक पेपर रेडी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप एक हफ्ते पढ़ोगे, मैं बोलूंगा तो आपको या मेरे जैसा कोई भी आएगा बोल के जाएगा कि आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक जब आपका सब्जेक्ट बढ़ने लगेगा ना, ठीक है, ऑटोमेटिक उसको आप स्किप करना शुरू कर दोगे, वो छूटता चला जाएगा, फिर मन में सोचोगे कि छोड़ो मेंस का सब्जेक्ट है बाद में देखेंगे। और जब प्री निकल जाएगा, जब 3 महीना बचेगा, तो फिर आप उस कंडीशन में पहुंच जाओगे कि इसको करूं कि इसको करूं कि इसको करूं, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज से आप यदि आधा घंटा ऐसे को देंगे, ज्यादा एक घंटा भी नहीं बोल रहा हूं ना मैं, आधा घंटा, ठीक है, चीजों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब ऐसे में भी क्या पूछेगा, शिक्षा के बारे में पूछेगा, स्वास्थ्य के बारे में पूछेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तो वैसे भी एक तो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, पर्यावरण वैसे भी एक तो सब्जेक्ट है आपका, है कि नहीं। इतनी तो चीजें है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति, समाज, वैसे भी सोशियोलॉजी आप पढ़ोगे तो सामाजिक परिवेश भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करेंट के टॉपिक को आप यदि आधा आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो आपका ऐसे का चीज वो जो है तैयार हो जाएगा। आफ्टर प्री जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मेंस में बस यही आप तैयार करना कि इसको लिखते कैसे हैं। कंटेंट तो आप रोज आधा घंटा पढ़ ही रहे हो, दिमाग में तो सारी चीजें हैं, जमाना कैसे वो आप 3 महीने प्रैक्टिस में कर लोगे, तो आपका सेकंड पेपर भी हो जाएगा। मैं ऐसे ही पढ़ता था, मैं कभी अलग से ऐसे के लिए वो नहीं किया, टाइम भी नहीं निकाला, मैं कभी ऐसे लिख के भी नहीं देखा, मैं सीधा 4 ऐसे लिखा 4 × 8 ऐसे लिखा सीधा एग्जाम में, मैं पॉइंट्स बना बना के रखता था, ये आया तो ये पूछने लिखना, ये आया तो ये लिखना, ये आया था, साल भर मेहनत करता था, एक नोट्स जैसा था मेरे पास, बस उसी को पढ़ते रहता था। तो आधे घंटे की मेहनत में मेरा एक पूरा 200 नंबर का पेपर तैयार हो गया, ठीक है। पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोस्त लोग डिस्कशन करते हो तो भी एक तरीका होता है कि आप ऐसे के पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लो, ठीक है। 4, 5, 10, 8 बिंदु रहते हैं, आप लोग का तो ऐसे और छोटा कर दिया है,
कर दिया है ना शब्द लिमिट कम कर दिया, हम लोगों के समय तो बहुत था 1500 में लिखते रहो एक ही निबंध 1500 शब्द का, ठीक है। अभी तो बहुत कितने शब्द का कर दिया अभी, हाँ 750 आधा कर दिया, तो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब सर सोचना आसान है और 750 शब्द में पिरोना उसको बहुत कठिन है, ठीक है। ये दो पेपर हो गया सर, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स कुछ भी हो सकता है ऐसे का, ठीक है। ऐसे मतलब निबंध है ना, जानकारी है जो मतलब प्रश्न या जो विषय पर पूछ रहा है उसके संबंध में जो दे दो आप, वो सही गलत चेक नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ दूसरा मतलब बाकी सब्जेक्ट में आपका सही और गलत देखेगा, ठीक है। ऐसे में ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं जानता तो उसको भी लिख के आया था 2012 में, ठीक है, उसमें भी नंबर दिया था मेरे को, ठीक है। तो गलत सही कुछ नहीं होता, इसमें लिखना आप कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी रचनात्मकता को भी दिखाता है, ठीक है। इसलिए एक पेपर रखा गया है, दो पेपर हो गया। साइंस में कुछ है क्या दिक्कत, साइंस और मैथ, मैथ्स में आएगा लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा अच्छा है कि जो टॉपिक मेंस में है ना आप प्री के लिए उसी टॉपिक को फोकस करिए, ठीक है। वैसे भी सी सेट में आपको क्वालिफाई करना है, स्कोरिंग नहीं करना है। हम लोग के समय स्कोर होता था, दो जीएस और उसको मिला के हम लोग को क्वालिफाई करना पड़ता था। अभी तो सिर्फ जीएस ही है जिसमें आपको मेरिट आना है तो उसी के नंबर पे आएंगे, है ना। तो अभी तो आप सेलेक्ट कर लो टॉपिक सी सेट में, और कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करो जो प्री और मेंस दोनों में है, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत इजी हो जाएगा और उसको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, शॉर्ट तो सबको पता रहता ही है, ठीक है। मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे अभी से तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तो आपका मैथ्स वाला पेपर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आपको साइंस में करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी फिजिक्स में ज्यादा टफ नहीं पूछता होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पूछता है ना, पूछता है। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सिलेबस आपका 10th का है, ठीक है, क्वेश्चन लेकिन 10th लेवल का नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सर पढ़े फिर किससे, आपको ये सारे टॉपिक का डिटेल जो है आपको मिल जाएगा 11th 12th के बुक में, जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक को आपको 11th 12th की बुक से पढ़ना है, ठीक है। बुक नहीं पढ़ सकते तो 11th 12th का गाइड ले लीजिए उस सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे बायोलॉजी का कोई टॉपिक है तो 11th का कोई नवोदय या जो भी गाइड, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो आपको जो गाइड समझ में आता है, ठीक है, मैं जो पढ़ा हूं मैं वो बता रहा हूँ। मैं नवोदय गाइड पढ़ा था 11th 12th का टॉपिक, जैसे एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल आपके 10th के सिलेबस में, तो मैं एथिल एल्कोहल 11th या 12th की बुक से पढ़ा था, तो एथिल एल्कोहल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, ठीक है, सब मैं पढ़ डाला था, और उससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस एक कदम एक्स्ट्रा जाके पढ़ेंगे तो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस वाला पोर्शन हो गया, एनवायरमेंट का बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है, थोड़ा सा करंट देखना, लेकिन एनवायरमेंट में मेन दिक्कत आपको जो ज्यादा लेंदी जाएगा पेपर फिफ्थ होता है, मतलब जो इकोनॉमिक जियोग्राफी छत्तीसगढ़ का, और आपका जो हिस्ट्री पब एड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाला है ना, ये बहुत लेंदी जाता है। अब हम लोग के समय में एक बड़ा बहुत अच्छा होता, हम लोग के समय का कोई पैटर्न जानता है क्या कोई, नहीं ना। 5 सेक्शन होता था, उसमें से 3 सेक्शन में से लॉन्ग नोट पूछता था 20 नंबर वाला, और 2 सेक्शन में से 40 नंबर का पूछता था। अब 40 में से एक बनाना रहता था और 20 नंबर वाले में से 2 बनाना रहता था, तो मेरे पास छोड़ने के लिए एक एक ऑप्शन था, एक 40 नंबर का मैं छोड़ सकता हूँ और एक जगह मैं 20 नंबर का छोड़ सकता हूँ, ठीक है, 5 सेक्शन में से। और ये जरूरी था कि एक सेक्शन से केवल एक ही लॉन्ग नोट पूछेगा, ठीक है, तो मैं एक टोटल सब्जेक्ट छोड़ देता था, ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट ही छोड़ देता था एक सेक्शन, ठीक है। इससे 40 नंबर का पूछेगा तो मेरे को बनाना ही नहीं है। अब इसके लिए मैं बाकी 4 सेक्शन को बहुत अच्छे से करता था, कि कुछ भी पूछे बने चाहे ना बने मेरे को इसी से बनाना है, ठीक है। अब जो 40 नंबर का छोड़ दिया तो बचा कितने नंबर का, 24 नंबर का, 4 2 नंबर वाले, 2 8 नंबर वाले, मतलब 2 4 नंबर वाले और 1 8 नंबर वाले,
60 या 24 नंबर का, ठीक है, उसके लिए मैं पढ़ लेता था उस सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग। लॉन्ग नोट देखना ही नहीं है, जो छोटा छोटा रहता था उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको पढ़ लेता था, तो मेरा 24 नंबर भी बन जाता था और पेपर भी कवर हो जाता था मेरा वो सेक्शन, ठीक है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, अभी का पैटर्न मैं नहीं देखा हूं, शायद 3 सेक्शन कर दिया है, ठीक है, और आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है, शायद पूरा 46 क्वेश्चन बना रहे हैं, है क्या ऑप्शन? अच्छी बात है, यदि है तो आप जो मैं बताया हूं उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यदि कहीं छोड़ने का ऑप्शन हो या कुछ हो तो उसको छोड़ के आप दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो एक बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। और प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करें, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, प्री के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। कोई सभी एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लो, कोई सभी, ठीक है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। जब तक आपका मेंस खत्म होगा, मतलब मेंस का सिलेबस खत्म होगा और पढ़ोगे तब तक प्री वाला भी खत्म हो जाना चाहिए। मेंस की पढ़ाई करो, प्री का क्वेश्चन सॉल्व करो, ये नहीं कि प्री के लिए पढ़ते रहो और प्री का ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। थोड़ा सा इसको आप बैलेंस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका प्री और मेंस हो जाएगा, क्योंकि मेंस में हम इतने डिटेल में तो पढ़ते ही हैं, बस हमको ये सीखना रहता है कि वो चार में से एक कैसे हमको चूज करना है, एक सही लगाओ या 3 गलत निकालो, जो आपको सही लगता हो, ठीक है। सही पता है तो सही, और नहीं पता है तो गलत निकालना शुरू करो, ठीक। तो मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो तो प्री वाला जो है पोर्शन वो हो जाएगा। मैं अपने समय में ऑब्जेक्टिव सॉल्व, मतलब उसको समय घटना चक्र आता है, उसको पूरा पढ़ता था, पूरा जितने बार पढ़ सकता था उतने बार पढ़ता था, और मेरे को प्री में कभी कोई दिक्कत नहीं गया। वो अमेंडमेंट कर रहा है तो सही, डिलीट कर रहा है क्वेश्चन तो भी सही, मेरे नंबर में फर्क नहीं आया कभी, ठीक है। मैं कभी मिला के नहीं देखा कि 4 डिलीट कर देगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, 2 आंसर गलत लेगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा जितना पहले रहता था उतना बाद में भी रहता था, बढ़ जाता था बल्कि विलोपित करने से, हाँ, क्योंकि प्री को हम लोग ना वो समझने लग जाते हैं, स्कोरिंग, हमको स्कोर नहीं करना है, हमको क्वालिफाई करना है। इस चीज को यदि दिमाग में बिठाओगे तो प्री निकालना बहुत सरल हो जाता है। प्री के लिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेंस की क्लास है, मेंस में ही बात करूंगा, ठीक है। मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ठीक है, प्री के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, तो आपका जो रेस्ट जो बाकी सब्जेक्ट है वो हो जाएगा कवर, ठीक। और कोई प्रॉब्लम प्री और मेंस को बैलेंस करने में? हाँ, इसके बाद क्या पूछ रहे थे वो? बिलासपुर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंस के पेपर में जैसे वर्ड्स, जैसे हम लोग पढ़े मतलब 60 वर्ड्स, और अगर क्वेश्चन आता है कि वही सेम चीज को 100 या 170 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन जो लिखते हैं वो फॉर या अगेंस्ट किस बेसिस पे लिखते हैं? क्वेश्चन के बेसिस पे, मतलब आपका जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये सब जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको प्रस्तावना और उपसंहार लिखना पड़े, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के घटनाक्रम का जिक्र करो, तो आप भले इसमें प्रस्तावना उपसंहार जोड़ो, ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक मेंशन कर दूंगा कि इसकी विशेषता लिखो और कब कब हुआ क्या हुआ, 3 क्वेश्चन दे दिया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कब हुआ, क्या नारा था, इसमें क्या उपसंहार, मतलब प्रस्तावना दोगे आप, समझो। हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, हमको पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि हमसे क्या चाह रहा है, ठीक है। कई बार प्रभाव पूछ देता है, हम आंदोलन को लिखने भिड़ जाते हैं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। जनरलाइज्ड वे में आप पूछेंगे तो नहीं बन पाएगा। कोई टॉपिक यदि मैं पढ़ा रहा हूंगा या मैं समझा रहा हूंगा तो मैं बता पाऊंगा कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है, ये लिखना, ये लिखना है और इसको नहीं लिखना है। लेकिन जनरलाइज्ड वे में सारी चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं बोल दिया कि आपको ये लिखना है वो लिखना है और क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं रहा और आप लिखते बैठे तो वहां पे कोई मतलब का नहीं है वो, ठीक है। और इन चीजों की समझ आपको धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपके बारे में लिखने बोलूंगा तो आप कितने तरीके से लिख लोगे?
मैं जितने तरीके से बोलूंगा आप उतने तरीके से लिख लोगे, और जिस तरीके से बोलूंगा आप उस तरीके से लिख लोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना जानते हैं कि कोई और नहीं जानता, है ना? तो आप उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। वैसी सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट की समझ आप बना लोगे ना, तो पूछने वाला कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप उतने तरीके से और उस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा वो चाह रहे हैं। इसे समझ बढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स पे तो मेंस आसान होता चला जाएगा। जैसा कि आपने निबंध में बोला कि आधा घंटे देना है। हाँ, ठीक। तो मैं सिर्फ आधा घंटे इसलिए बोला क्योंकि आधे घंटे में मैं कर लेता था, क्या पढ़ना है मैं पढ़ लेता था, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है अपने पूरे टाइम टेबल में से एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए आप, जितने जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, जितने देर में आप उन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे आज डेली आप जैसे 8 घंटा पढ़ते होंगे कोचिंग को छोड़ के, या 6 घंटा पढ़ते होंगे कोचिंग के टाइम को छोड़ के, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना समय निकालते बने उस सब्जेक्ट के लिए आप निकालिए। आपको डेली नहीं बन रहा है तो अल्टरनेट डेज में निकालिए, ठीक है? लेकिन मैं आधा घंटा पढ़ना ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको चीजें यदि 10 मिनट में समझ में आ जाती तो 10 मिनट पर्याप्त है, यदि आपको 1 घंटे में समझ में आती तो 1 घंटा पढ़िए, ठीक है? आधा घंटा तो मेरा था, ठीक है? दूसरा करंट, मेरा तीन चीजों पर फोकस करें ना, तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए आधा घंटा में। किन चीजों को फोकस करें? मैं पहले ही बताया हूँ कि पुराने 2012 से लेकर अभी तक के पेपर को निकालिए, वो पेपर बताएगा आपको कि किन चीजों को फोकस करना है। जी सर, है ना? उसके बाद क्लास में सर तो बताएंगे ही, और उसके अलावा एक चीज और, जो करंट के मुद्दे जो चल रहे हैं, ठीक है, उसको लेखते हुए चल रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है, हा? यूक्रेन का रशिया, ठीक है, ठीक, ये वाला है, और दूसरा महंगाई भी तो है, अर्थव्यवस्था भी तो आया, ठीक है, कोरोना भी तो है, गया कहाँ है अभी, फिर आएगा ना, आ सकता है, मतलब ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे देश के डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, कि आ सकता है। तो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन चीजों को अब लेते चलिए, और पुराने जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो समझ में आते जाएगा आपको। अब आपको जैसे युद्ध है तो युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए ना, हर दिन तो छपता है आर्टिकल संपादकीय पेज, किसी भी बुक में पढ़ लीजिए, युद्ध के क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, ठीक है? फायदा तो केवल उसी देश को होता है जो जीत जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन उसका अंतिम परिणति तो फिर वही जानता है, ठीक है, जो युद्ध किया होता है। तो युद्ध एक तो वो बहुत शॉर्ट है, उसका वृहद रूप में देखेंगे तो बहुत सारे उसके दुष्परिणाम या परिणाम जो बोल लो, है ना? तो युद्ध से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, अब मानवीय संसाधन बोलो, नैतिकता बोलो, मैं ठीक है, पर्यावरण बोलो, चाहे महंगाई इकोनॉमिक्स का बोलो, चाहे सोशल इम्पैक्ट बोलो, ठीक, बहुत सारा आ गया, ठीक है? तो ये पूरे आपके ऐसे के टॉपिक हुआ। हाँ सर, करेंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे किए थे? मतलब याद नहीं रहता, एक बार पढ़े तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करेंट अफेयर की तैयारी कैसे करना है? मैं करेंट अफेयर की तैयारी साल भर नहीं करता था, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ बता रहा हूँ, मैंने नहीं करता था साल भर, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं सब्जेक्ट पे फोकस करता था, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे मेहनत जो है ना कोचिंग वाले कर ही रहे हैं, लास्ट में निकालते देखना 2-3 महीना पहले उन लोग अपने अपने कोचिंग का निकालते है ना, ठीक है? मैं जैसे ही बुक निकलता था ना, किसी एक कोचिंग का निकाल ले आता था, ठीक है, और 40-50 पन्ने हैं, इतना ही तो रहता है ना, उसे ज्यादा रहता नहीं है, ठीक है? तो मैं हर दिन एक पेज पढ़ता था, दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ता था, पहले पेज का रिविजन करता था, तीसरे दिन तीसरा पेज पढ़ता था, पहले दोनों पेज को रिविजन करता था। अब 50 दिन कैसे हो जाते थे मेरे को पता नहीं चलता, मैं 50 बार रिविजन के साथ पढ़ लेता था, ठीक है, बिना किसी मेहनत के। मैं फिर आधा घंटा निकालता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं चीजों को बांट देता, सरल करता, पढ़े सर बताएंगे आप लोग को, सरल करो रे,
था, सर ऐसी बोलते हैं ना, सरल लिखा करो, सरल करना सीखो, ठीक है। अब एक दिन लेके बैठ गए हो करेंट की बुक को, दिन भर पढ़ रहे हो, एक हफ्ता पढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे, ठीक है, हफ्ते दिन तक याद रहेगा, उसके बाद दसवें दिन बाद भूल जाओगे। पढ़ने का कोई मतलब हुआ क्या? आपका एक हफ्ता समय चला गया, ठीक है, लेकिन मैं रोज आधा घंटा देखता था रोज, ठीक है। अब 50 दिन में 50 पन्ना 50 बार पढ़ लिया मैं, अब इधर से हो गया तो इधर से कर लो, ठीक। अब उसमें भी प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि आपको पहले किसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं पहले पेज को पहले पढ़ता था, जो टॉपिक मेरे को पहले पढ़ना था वो मेरे लिए पहले पढ़ना होता था, ठीक है। तो मैं पहले 10 जो पुराने पेपर रहते उसको निकालता था, उसमें देखता था कि क्या क्या पूछा गया है। तो मैं देखा कि उसमें सबसे पहला जो ज्यादातर पूछा जाता क्वेश्चन है वो है इससे पूछा जाता है। मैं एक भी योजना नहीं छोड़ता था क्योंकि मेरे को पता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। दूसरा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो एक स्पेसिफिक है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, ठीक है, मैं पढ़ लेता, मेरा एक क्वेश्चन फिक्स 100 में से। यदि राज्य अलंकरण मैं कर लिया तो 100 में से एक क्वेश्चन मेरा फिक्स है, अब मेरे को 99 की तैयारी करना है, ठीक है। इतने से मिला के जीएस प्लस सीजी में 10 क्वेश्चन पूछता है वो 8 से, ठीक है। यदि मैं 6 क्वेश्चन भी बना लिया, ठीक है, तो मेरे को अब कितना बच गया, 60 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन हो जाता है प्री के लिए, हो जाता है कि नहीं हो जाता, अभी तो और नीचे गया है ना। तो एग्जाम में बैठते, हाँ एक चीज और, पिछले साल के कट ऑफ को कभी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बार बहुत सारे लोग जो गलती किए, मैं बता देता हूं कि पिछले बार तो 125 प्लस गया था, मेरे से नहीं बन रहा है, बगल वाला पूरा बना रहा है, पूरा देखे तो गोला ही गोला है, ठीक है, इधर जाएगा तो इधर भी गोला गोला है, ठीक है। फिर आदमी का हाथ कांपने लगता है, सब तो बना रहे हैं और मेरे से बन ही नहीं रहा है, फिर अपना भी गोला गोला लगाता है। अरे लेवल देख लो क्वेश्चन का, ठीक है, समझ लो, साल भर पढ़ाई की हो तो तुमको लेवल समझ में आ जाएगा, और नहीं किए हो तो नहीं समझ में आएगा। फिर वही तुक्का चलता है, 10 ठो ए 10 ठो बी ए बी, ठीक है, अच्छा 4 ए लग गया, अब भी मारता हूं, यही चलता है। तो पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाता है। एग्जाम के बाद मेरे, मैं भी देखता हूँ क्वेश्चन पेपर देखा, शुरू के 20 क्वेश्चन देखा, मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन बहुत टफ है, मतलब इसमें यदि 50 क्वेश्चन भी किसी से बन जाता है, ठीक है, तो 91 नहीं छूना है उसको, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में ही। और मिनिमम का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम का रोल है, समझो, ठीक है। प्री में मैं मिनिमम बता रहा था, थोड़ा सा अंतर समझना ना, क्योंकि वहां पे क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, लेकिन मेंस में मैं मैक्सिमम बताऊंगा, वहां पे रोल नहीं है। तो आप बोलोगे कि कितना नंबर आ जाना चाहिए, मैं तो बोलूंगा 200 में 200 आ जाए, ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ट्राई करना है कि आप 200 में से ज्यादा नंबर स्कोर कर सको, ठीक है, ऐसे बांध के नहीं रखना है मेंस में आपको नंबर। हाँ, कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है जिसमें आप चाह के भी आप नहीं मैं वो कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है, कि यार बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरा इसमें स्कोर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्कोर तक हो जाए, ठीक, फिर बाकी मेहनत में दूसरे सब्जेक्ट में या बाकी स्कोर में दूसरे सब्जेक्ट में कर लूंगा। जैसे मैथ्स बनता था मेरा, घर में बनाता था, तो ठीक है, बहुत अच्छे से बनता था, लोगों को पढ़ाता भी था मैथ, लेकिन जैसे मैं एग्जाम में बैठता था वो पता नहीं मेरा आधा शक्ति कहाँ चला जाता था, कौन खींच लेता था, ठीक है, मैथ्स बनता ही नहीं था और मेरा सिलेक्शन रुक जाता था मैथ्स की वजह से। मतलब टॉपर का देखता था, मेरा नंबर देखता था, तो 40 नंबर का अंतर रहता था, और 4 बार इंटरव्यू दिया हूं, देखता था तो 40 नंबर का अंतर रहता था, और अकेले मैं मैथ्स में ही 50 नंबर पीछे रहता था उससे, और मैं मैथ्स में हर बार पिछले बार से अच्छा करने की कोशिश करता था, लेकिन एग्जाम में नहीं बनता था। तो मैं देखा कि मेरा 40 नंबर का जो मार्जिन है वो कहां से आएगा, जो मेरे को आता ही नहीं था, ठीक है। मेरे को अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 200 में 94 मिला था जब मैं नायब तहसीलदार बना था, उसके पहले मेरे को 89 नहीं
पहले मेरे को 94 मिला था और जब मैंने 10,000 था उस समय मैथ्स में मेरा इतना नंबर था, मैं टॉपर से इतना नंबर दूर था 40 नंबर, तो मेरे को इसमें 40 नंबर और जोड़ना था। मैं ये यहाँ पे टारगेट फिक्स किया था क्योंकि दो बार मेहनत करने के बावजूद मेरा नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैं टारगेट फिक्स किया क्योंकि ज्यादा बनाने के चक्कर में ज्यादा स्कोर कर मन में रहता ज्यादा स्कोर करूं, इस चक्कर में ज्यादा समय दे देता था किसी क्वेश्चन को और नहीं बनता था तो फिर हड़बड़ा जाता था, फिर जो बनता वो भी नहीं बनता था। फिर अगली बार के लिए मैं सोच लिया था कि 120 तक ही या 130 तक ही मेरे को करना है और उसी के अकॉर्डिंग बनाया और बन गया, उसे ज्यादा बना डाला, हालांकि नंबर उतना ही आया, 128 आया अगली बार, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार टारगेट फिक्स कर लिया था कि इससे ज्यादा मेरे को नहीं करना है। बाकी सब्जेक्ट मेरा एज इट इज था, मैथ्स में जहां कमी था वहां मैं अपने लिए टारगेट फिक्स किया, ठीक है, और इस पेपर को बैलेंस कर लिया। और एक फैक्टर यह भी था कि नया तहसीलदार बन गया था, ठीक है, तो जब एग्जाम में बैठो छोड़ना, पोस्ट तो है मेरे पास, बनता है बना नहीं बनता, ठीक है, ये वाला फैक्टर भी था। अब मैं ये वाला क्यों बताया, आप कॉन्फिडेंटली यदि एग्जाम में बैठोगे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बनने वाला चीज है वो भी बनता है, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बताया, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इसीलिए बिगाड़ देते हैं क्वेश्चन को कि बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, आप पढ़ो पढ़ो साल भर पढ़ो, ठीक है, लेकिन वो 2 घंटा प्री का और 3 घंटा मेंस का यदि आपको बैठने का प्रैक्टिस नहीं है ना तो आपका मेहनत जीरो है, जीरो है, ठीक है, मेरा 2 साल बर्बाद हुआ है, ठीक है। मैं बताया ना कि मैं टेस्ट पेपर नहीं देता था, ठीक है, उसका नुकसान मेरे को मैथ्स में हुआ, ठीक है, 4 अटेम्प्ट दिया हूं, पहला दिया था, पहले बार में भी मतलब इंटरव्यू दिया था 250 रैंक आया था, नहीं मिला पोस्ट, दूसरे बार दिया 146 रैंक आया, नहीं मिला पोस्ट, तीसरी बार दिया 73 रैंक आया, नायब तहसीलदार मिला, ठीक है, चौथी बार दिया 5th रैंक आया, डिप्टी कलेक्टर बना, 4 बार कंटिन्यू 3.5 साल, हाँ उस समय कुछ 2012 का बहुत लंबा ले लिया था, 2013 का पहले हो गया, मतलब हो गया, तो 4 साल बोल ही सकते, ज्वाइनिंग तक हो ही जाता है, ठीक है। तो आप टारगेट फिक्स करना है वहां पे जहां पे आप कमजोर हो, ठीक है, और मैं बार बार बोलूंगा कि आप 2 घंटा 3 घंटा उस प्रेशर के साथ, अभी तो क्लास में देते होगे तो बगल वाले से बोले बताना दो दूसरे का क्या है, बी है, अभी वो तो सी मारा है, ठीक है, हाँ हाँ सी है तो सी, ठीक है, वहां नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पेपर जो क्लास में देते हो ना ईमानदारी के साथ दो, भले ही यदि 100 क्वेश्चन है ना, ठीक है, ईमानदारी से आपका 10 क्वेश्चन बनता है तो 10 ही क्वेश्चन देके जाओ, क्योंकि आपकी पीएससी में औकात यही है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। बगल वाले से पूछ के आप 90 नंबर भी ले आए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पड़ोसी यही पूछेगा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पूछेगा, घर वालों से पूछेगा, ठीक है, और त्योहारों में आके फिर तुमको भी जलील करेगा। अब बेटा कितने साल करने की तैयारी है, ठीक है, तो ऐसे अपमान से बचना है, ठीक है, तो अपने लिए ईमानदार बनो, ठीक है, ये 10 है तो यदि तुमको 60 चाहिए प्री में तो यहां तक पहुंचो, इसके लिए मेहनत करो, मत पूछो बगल वाला बता रहा है तो भी मत देखो, कुछ नहीं मिलने जाना है उससे, ठीक। राइटिंग में मतलब कुछ भी चीज का आंसर सही तो सब लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा क्या वेरिएशन करें, मतलब क्या करें कि हम लोग को ज्यादा स्कोर करने मिले, या आप क्या किए थे? हाँ, मैं कोशिश करता था नया चीज करने का, नहीं हो पाता था तो पुराने जैसा रहता था वैसे लिख देता था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो 3 घंटा है आपके पास, ठीक है, आपको मैं बोल दू, मैं बोल दिया, ठीक है, कि नया करना है, ठीक है, किसी में पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, किसी में डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, पता चला 3 घंटा ही इसी में निकल गया, 40 में से 30 क्वेश्चन बना पाए, 16 क्वेश्चन छूट गया, तो कोई मतलब कहेगा नहीं है, ठीक है। तो नया करना है समय सीमा के भीतर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जितना जानते हो उतना, सोचते नहीं बैठे रहना, अरे यार पाई चार्ट बोले थे सर, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा पाई चार्ट कैसे बनाऊं, तो 2 मिनट उसी में सोच रहे हो, ठीक है, तो नहीं करना है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें,
ठीक। देखिए लास्ट कट ऑफ कितना जाता है मेंस में इंटरव्यू के लिए, आप 700 या प्लस में हैं तो आपको इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगा। ठीक, मैं 7 पेपर में यदि 40 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करता हूं, ठीक है, और हर क्वेश्चन में मेरे को आधा नंबर भी देता है तो मेरा 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ भर के आऊंगा पेपर तो मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूं। ठीक, अब इसके बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया करेगा आपके क्वालिटी पे। अब यदि आप 40 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो इतना माइनस होते जाएगा, फिर 4 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया। ये मेरा 4 साल का प्रैक्टिकल वो है ना, बता रहा हूं, जिसको नहीं जानता था लिख के आया हूं तो भी नंबर मिला है, लेकिन छोड़ दिया हूं तो केवल उसमें मेरे को यही नंबर मिला है। आप साइकोलॉजी को समझिए चेक करने वाले के, 8 लाइन यदि 8 नंबर के लिए दे रहा है और आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, कितना नंबर देगा वो? 0 नंबर देगा। और यदि आप इसमें कुछ लिख दिया हो तो कुछ तो देगा, ठीक है, पढ़ा तो कुछ देगा और नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ दे देगा। हाँ, यदि मैं सिंपल बता रहा हूं, वो भी इंसान है चेक करने वाला, ठीक है, 100 पेपर चेक करने हैं, 50 पेपर चेक कर लिया, थक गया है वो, ठीक है, अब उसको आपका पेपर पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर है, या तो बहुत अच्छा लिखो, देखना चाहिए अरे वाह क्या लिखा है, ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे ही लिखो चल ना लिखा तो है, वो भी इंसान है, ठीक है, आपस में कभी पेपर लिख के एक दूसरे से चेक करवाना, जो आप लोग एक दूसरे को दोगे ना नंबर वही वो देगा, ठीक है, और ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक, अब दूसरा चीज बता रहा हूं, 40 क्वेश्चन है, यदि एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन में आधा नंबर किसी से ज्यादा पा रहे हैं तो टोटल कितना नंबर हुआ? 23 नंबर, 23 नंबर हुआ ना, ठीक है, 40 क्वेश्चन में आधा नंबर स्कोर करके वो एक सब्जेक्ट में 23 नंबर आगे हो गया, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में, इतना नंबर आगे हो गया ना, सही किया हूं ना मैं 2 बार बनाता था मैथ्स को, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता था तो ठीक है, इसलिए 2 बार चेक करता था मैं, ऐसे मेरे को टाइम भी ज्यादा लगता था। ठीक है, अब देख लो, आधा नंबर स्कोर किया पर सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन, और कितना नंबर आगे हो गया वो, ठीक है, अब पर क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहा है, इसका मैं 2 कर दूं, आधा भी कर दूं, तो कितना हो गया? हाँ 50 प्लस तो हो ही गया ना, मतलब वो आधा नंबर का बस मेहनत किया एक क्वेश्चन में और वो सामने वाले से 50-60 नंबर, इतना नंबर वो स्कोर कर लेता है, और खेल इतना ही का है, ये आधे नंबर का सिलेक्टेड में, और जो इंटरव्यू देते हैं ना उसमें जो सिलेक्टेड होते हैं और जो नॉन सिलेक्टेड होते हैं उसमें ये आधा नंबर का खेल होता है, ये 50-60 नंबर का नहीं रहता, इस चीज को समझना है। ठीक है, अब पर सब्जेक्ट आप जितना मतलब पर क्वेश्चन जितना अच्छा लिखोगे आपका नंबरिंग उतना हाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत करना होता है, और इसके लिए जैसे वो पूछ रही थी कि क्या नया करें, तो नया करते बनता है समय सीमा में तो करना, और नहीं बनता तो लिखना, क्योंकि लिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और नया करने के लिए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, यदि साइंस का है तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बायोलॉजी बना रहे हैं तो कोशिश करिए आप डायग्राम बनाओ, केमिस्ट्री है तो कोशिश करिए कि रिएक्शन लिखो, ठीक है, फिजिक्स है तो कोशिश करिए आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो ज्योग्राफिकल पार्ट तो कोशिश करो आप मैप बनाओ। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी भी आज भी कितना 28 जिला है ना, 28 जिले का मैप मैं बना सकता हूं आज भी, ठीक है, बिना देखे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए, मेरे को नहीं लगता था समय, यदि बनाना है तो बना लेता था मैं, इसमें नदी बनाना है तो मैं नदी भी बना लेता था। ठीक है, सिलियारी परी सोंडूर जो ये जोक नदी शिवनाथ में मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, फिर इधर शिवनाथ में ऐसे सिलियारी नदी है, 3 नीचे से जाएगा, कितना समय लगेगा? नहीं आप प्रैक्टिस आए तो आप तुरंत कर लोगे, तो ये एक नया चीज है। ठीक है,
फिर आप जो चीजों को जानते हो तो आप पॉइंट में लिखो। चार विशेषता लिखे तो चार्ट हो 1 2 3 4, बताओ सामने वालों को ये चार्ट हो है। अब उसको पैरों में मत लिखो, ठीक है, कि वो चार्ट खोज रहा है, ठीक है, वो देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है। दो विशेषताएं लिखिए, चार विशेषताएं लिखिए या चार प्रभाव लिखिए, तो 1 2 3 4 पूछ रहा है ना, तो उसको चार्ट बताओ ये है, एक्स्ट्रा आता है तो वो भी लिख दो, लेकिन चार्ट तो दिखना चाहिए उसको, ठीक। मैं जो जानते हो उसको अच्छे से लिखो, अगर नहीं जानते हो तो फिर पैरा लिखो, पढ़ने दो उसको, उसको मेहनत करने दो कि तुम क्या नहीं जानते हो। ये ट्रिक है, ठीक है, चेक करने वाला भी इंसान है, तो ये इस तरीके, अभी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो केवल जनरलाइज्ड में बताया मैं। इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग से अलग लिखने का पैटर्न है, आपको संविधान लिखना है तो अलग है, दर्शन शास्त्र लिखना है तो अलग है, एक एक सब्जेक्ट पे बहुत सारा है, वो सारा चीज आपको क्लास टीचर बताएगा जो सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, फॉलो करो, वही तो हम लोग को पढ़ाए हैं, आप लोग को भी पढ़ाएंगे, वही चीज बताएंगे, जितना ज्यादा ले लोगे उतना जल्दी आगे बढ़ जाओगे, और देखते रहोगे नहीं यार आज सर ना थोड़ा सा मजा नहीं आया, आज ये टॉपिक छोड़ दिए, उसे बोला हाँ ठीक तो बोल रहा है, फलाने बता रहा था कि उस कोचिंग वाले टीचर ये अच्छा पढ़ाए, ठीक है, तो उसका कॉपी देख रहे हो गया खत्म, एक हफ्ता इसी निकल जाएगा, एक हफ्ते बाद इतना सारा सिलेबस और आ जाएगा, ठीक है, फिर छोड़े तो फिर इतना सारा आ जाएगा, तो बढ़ते जाएगा ये, ठीक है, कम नहीं होगा कभी, और इस साल नहीं कर पाए, ठीक है, तो अगले साल आपका इंटरेस्ट और घट जाएगा, ठीक है, यदि जो पहले बार दे रहा है उसको तो ऐसा लगता है मेरा तो पहले ही बार है, नहीं हुआ तो अगली बार देखेंगे, ऐसा करते करते 2-3 बार हो जाता है, उसके बाद फिर टेंशन होने लगता है, 2 बार हो गया, अब घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या बोलेंगे, फिर वो प्रेशर हावी होने लगता है। पहला और आखिरी, हेलो सर, हाँ सर, जैसे बहुत लोग इंटरव्यू में भी जाके सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मतलब ऐसा नहीं ले पाते हैं, मतलब नहीं हो पाता है सर, तो उसके लिए कुछ आइडिया आप दीजिए। हाँ, उसके लिए, यस सर, उसके लिए क्या जानना है, क्या करना चाहिए? यस सर, मतलब इंटरव्यू में भी जाके, मेरे से बेहतर कौन जानेगा कि इंटरव्यू में नहीं होता फिर क्या करना चाहिए, फिर से मेहनत करना चाहिए और अपने जो पुराना जो पेपर दिए हो ना, ठीक है, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कहां पर कमी थी, कहां पर रुके। मैं देखता था जो सेलेक्टेड होते थे उनका नंबर और अपना नंबर सब्जेक्ट वाइज मैच करता था, सबका नहीं देखता था, ऊपर के 4-5 लोगों से देखता था, ठीक है, फिर अपना नंबर देखता था, फिर मैं जो क्वेश्चन बना के आया रहता था उसको देखता था, मेरे को याद रहता था मैं क्या क्या बना के आया हूँ, लिख के आता था ना वो मेरे को याद रहता था, फिर मैं अगले बार के लिए सुधार करता था कि इस बार इसको और अच्छा स्ट्रांग करना है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, कोशिश करता था अगली बार उस पेपर में मेरा क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, और नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, ठीक है, फिर से करना है, करते रहना है, यदि आपका एक लक्ष्य है तो, ठीक है। मैं डेंटिस्ट भी हूँ, ठीक है, लेकिन डेंटिस्ट्री नहीं करना था मेरे को, आप कसम खा लिया था, भले ही बेरोजगार रह जाऊंगा लेकिन मैं वापस अपने फील्ड में नहीं जाऊंगा, मेरे को करना है तो यही करना है, ठीक है सर, करते रहना है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, 1 से 999 तक, इसका इंग्लिश में जैसे लिखोगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, कहीं भी ए लेटर नहीं आता है, पता है ना, बहुत लोग को पता होगा, ठीक है, सीधा 1000 में आएगा ए का पहली बार, इस ए को अपनी पारी के लिए कितनी बार इंतजार करना पड़ा, लेकिन आया, और जब आया तो इन सब से आगे था, है ना, तो अपनी बारी का इंतजार करो, जिस दिन आपका मेहनत कंप्लीट हो जाएगा ना उस दिन आप आगे आ जाओगे, नहीं हो रहा सिलेक्शन मतलब मेहनत में कमी है। बस एक छोटा सा चीज ये बता देता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी उस 1 महीने में नहीं होता है, आज से और अभी से, और आपने बचपन से जो किया है, ठीक है, वही इंटरव्यू की तैयारी थी आपकी, ठीक है। मैं 1 महीने में आपके व्यक्तित्व को चेंज नहीं कर सकता, आप ईमानदार हैं, ठीक है, और आप मेहनती हैं, और आपकी जो व्यक्तित्व है कि आप ज्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, तो मैं 1 महीने में प्रैक्टिस करवा लूंगा कि आप मत बोलो, ठीक है, कि आपका कुछ लाता है तो उसको छोड़वा दूंगा कि 1 महीने, नहीं होगा,
अभी तक जो जिए हो वही है, बस एक अभी से आप प्रैक्टिस करो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है? तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है? जैसे 10 लोग के सामने में पूछना, बहुत लोग पूछ नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं पूछना लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, झिझक उसको खत्म करिए, ठीक है? झिझक कैसे खत्म होगा, जितनी हंसी करवा सकते हो अपना करवाइए, यही तो पूछेगा ना सामने वाला, हंस देगा आपके क्वेश्चन पे, ठीक है? हाँ क्या पूछे थे सर? अगर जैसे हम लोग कोचिंग में कुछ पढ़ के जाते हैं तो घर पे ऐसा लगता है जाके कि मतलब अगर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जाके मन करता है कि थोड़ा और पढ़े, तो और पढ़े तो एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक उठा ली और उसके अंदर से पढ़े, फिर उसके बाद उस टॉपिक में कुछ ज्यादा ही समय, मतलब कितना समय पर्टिकुलर उस टॉपिक को देना चाहिए? मैं कभी समय सीमा नहीं बांधना, इसे याद रखना, मैं कभी नहीं बांधता था सर। एंड मतलब अगर कोई टॉपिक हमने पढ़ा है कोचिंग में तो उसको किस अप्रोच के साथ और मतलब टॉपिक को अप्रोच के लिए, मैं सबसे पहले मैं चीजें बताने से पहले मैं यही बताया हूँ, अप्रोच आपका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, वही आपका अप्रोच है, उसे भटकिए मत, ठीक है? वो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है, बाकी क्लास टीचर आपको क्लास में बता ही देगा कि ये काम करना है, ये काम का है, ये फोकस करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ बढ़ना है आपको, ठीक है? और समय सीमा में मत बांधिए कि मैंने इतने देर पढ़ना है, आपको अच्छा लग रहा पढ़िए ना। और मजे की बात यह है कि कोई सब्जेक्ट, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट सरल और कोई सब्जेक्ट कठिन होता है, ठीक है? वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, जिसको आप इंटरेस्ट लेते हो वो आपके लिए सरल होगा और जिसपे आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो वो आपके लिए कठिन होगा। तो आपको सरल करना है तो आप उस पर इंटरेस्ट लाइए, अपने आप आपको सरल लगने लगेगा, ठीक है? मैं हाँ कोशिश करना चाहिए कि जो बड़े क्वेश्चंस है ना 20 नंबर या हम लोग के सामने 40 नंबर, तो मैं तो पहले 40 नंबर को बनाता था, फिर 20 नंबर को बनाता था, फिर 20 नंबर को, उसके बाद एक हम लोग के पास 5 सेक्शन होते थे उस समय, अभी तो आप लोग का 3 सेक्शन है, फिर उसके बाद एक सेक्शन से पकड़ता था और बताया था ना, एक सेक्शन में छोड़ दिया करता था, तो वाले को तो लास्ट में बनाता था, ठीक है? एक सिरे से बनाया और लास्ट तक खत्म किया, ठीक है? तो आप कोशिश ये, क्योंकि आप एक क्वेश्चन बनाएंगे वो 20 नंबर देगा, ठीक है? और दो नंबर वाले यदि 8 क्वेश्चन भी बनाओगे 8 क्वेश्चन तो 16 नंबर भी हुआ 16, यहाँ पे आपको 8 बार सोचना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक बार सोचना है और सीधा लिखते चले जाना है, ठीक है? तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका नंबर भी ज्यादा आएगा। मैं मैथ्स में यही गलती किया था, जिस बार मेरा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस था उस बार मैं दो दो नंबर से बनाना शुरू किया था, अब 45 मिनट में मैं दो नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना पाया था, क्योंकि उसमें मतलब जो कैलकुलेशन था बहुत लेंदी था, बनता था तो छोड़ नहीं पा रहा था, और यही मैं यदि 40 नंबर बनाया होता, ठीक है, तो पेपर मेरा निकल जाता। हाँ उसके बाद जब 45 मिनट आपके हाथ से निकल जाए, केवल 2 घंटा बचे और पूरा पेपर बचा रहे, तो आपका क्वेश्चन को भी गलत पढ़ोगे आप, वही हुआ था मेरे साथ, ठीक है? तो आप बड़े क्वेश्चन को टारगेट पहले करो, तो इससे क्या है, अभी आप 3 क्वेश्चन में 20 नंबर वाले बनाते हो तो 60 नंबर तो आपने कवर कर लिया है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल जो भी बोलो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ देता है कि आप कॉन्फिडेंस देता है कि आप इतने नंबर का बना चुके हो, इतना ही बचा है, ठीक है? हाँ हेलो सर, बिलासपुर से। हेलो, थ्योरी लिखना है तो वो कैसे करें? अच्छा वो पेपर में कैसे लिखना है, आंसर शीट तो देख लिए होंगे है ना, आंसर शीट ऐसा रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर रहेगा 1 2, मतलब पूरा है, फिर क्लोज कर देता है, ऐसे ही है ना, ठीक है? तो आप जैसे डायग्राम बनाना है तो आप एक सेक्शन में इस तरफ, ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक, इधर पॉइंट में लिख लीजिए। अब डायग्राम बनाने के बाद जैसे आपको लिखते हैं ना, ये इसका आंख, ये इसका नाक, ये इसका कान, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है, डायग्राम में कुछ भी, तो वैसे नहीं लिखना है, ठीक है, कि पूरा उसको आप
जैसे आप कुछ फ्लावर ही बनाए, ठीक है, ठीक है, तो ये इसका इस तरीके सर, ये इसका पुंग के सर, ये इसका, ये इसका, ये ऐसा, ठीक है, सहायक इस टाइप का नहीं लिखना है। अच्छा कब लगेगा, सबको एक तरफ लिखो, आप गाइड में देखे हो ना, ठीक है, लाइन से तो अच्छा दिखता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब मान लो यहां पर आप बनाए हो और यहां पे ऐसा देके लिख रहे हो, फिर एक तो ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, अब यहां पे आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आपको अब बीच में ही समझ में आ जाएगा कि यार मजा नहीं आया, ठीक है। तो कोशिश यही, ठीक है, कि यदि यहां पे आप डायग्राम बनाए हो, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में लाइन से आ जाए, ठीक है। अब पाई चार्ट भी बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, तो एक तरफ लाइन से, ठीक, ये एक तरीका है, ऐसे लिख सकते हो आप, बना सकते हो, मैं ऐसे ही बना रहा था, ठीक है, इससे अच्छा दिखता है आपको, मतलब जगह भी बहुत अच्छा मिलेगा इस तरफ, जितना चीज लिखना चाहो, ठीक है। देखना गाइड और पुस्तक में कितना बढ़िया लिखा रहता है, ठीक, उसको फॉलो किया करो, ठीक है, एक तरफ लिखेगा, ठीक है, पैरा भी चेंज करेगा और लिखेगा भी तो पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट खत्म होता है। यहाँ तो खैर लाइन दे देता है, अभी उसमें लाइन नहीं रहता, लेकिन एकदम वो रहता है, कितना अच्छा लगता है, वैसे ही फॉलो करो। देखो उसको नियम पढ़ना क्या लिखा है, ठीक है, नियम में तो लिखा है कि एक पेन यूज करना है, ठीक है, लेकिन कई लोग यूज करते थे, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, यदि आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो समय ही नहीं बचता था वो लास्ट क्वेश्चन तक जाने में, तो मैं पेन चेंज करूंगा, ठीक है, तो मेरा समय बार एक क्वेश्चन गया, यदि चार क्वेश्चन में मैं चार बार पेन चेंज किया तो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन गया, तो मैं पेन चेंज नहीं करता, तो भैया लिखना ज्यादा जरूरी है, कलर दिखाना ज्यादा जरूरी नहीं है, है ना, तो लिखना ज्यादा जरूरी है, यदि आपके पास समय है तो आप यूज करिए, और नहीं है तो फिर एक पेपर से भी नंबर मिलता है, ठीक है, उतना ही नंबर मिलता है। चार लाइन तो है, इसको पढ़ने में कितना तकलीफ होगा उसको, ठीक है, पेपर तुरंत खत्म हो जाता है, आप कभी पकड़ देखना, अलग अलग सेक्शन अलग हट जाता है, ठीक है, तो एक सेक्शन में चार कुछ क्वेश्चन, दो नंबर वाले, एक दो चार नंबर वाले, एक आठ नंबर वाले, एक बीस नंबर वाले, कितना समय लगेगा उसको, है ना, ठीक, हो गया, समझ में आ गया।